Bismillahir Rahmanir Raheem. Assalamu alaikum, dear students. My name is Aisha Saleem. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to discuss element versus Compounds. In this lecture, we will compare the properties of both sub substances under our SLO, in which we distinguish between elements and compounds. In the lecture, we will discuss elements and compounds and properties compare karenge. But before starting the lecture, let's brainstorm few ideas. Quickly tell me that what is the difference between carbon and carbon dioxide very good and how do the properties of these compounds and elements are differ from each other वेरी गुड सो डी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे और मजीद कुछ एग्जांपल्स को uh, साथ डिस्कस करेंगे तो एलिमेंट और कंपाउंड अगर हम दोनों की सब्सटेंसेस की बात करें तो बोथ आर प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स वेयर एज कंपाउंडस कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ यूनिट्स बट दे आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर इन मैनी एस्पेक्ट्स और आज के लेक्चर के अंदर हम इन्हीं एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे और इनके डिफ्रेंस को सीखेंगे तो नंबर वन हमारे पास जो डिफरेंस है दैट इज एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड वाटर लेकिन कंपाउंड्स की हम बात करें तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एटम्स फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंस बोथ एलिमेंट कंबाइंस एंड गिव्स राइज टू अ न्यू सबस्टांस अ न्यू कंपाउंड दैट इज वाटर फर्दर हमारे पास एलिमेंट्स को हम सिंपली सिंपलर केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से स्प्लिट नहीं कर सकते लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो हम केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए से इनको स्प्लिट कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे पास एलिमेंट्स की हैं जैसे हीलियम हो गया ऑक्सीजन हो गया लेकिन कुछ हमारे पास अगर कंपाउंड्स के एग्जाम्पल देखें तो वाटर हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि बाय सिंपल हीटिंग या फिर सिंपल मीन से हम वाटर को डिकम्पोज नहीं कर सकते एंड वी कांट कन्वर्ट इट इनटू अ न्यू सब्सटेंस फर्दर मोर हमारे पास अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो देअर आर वन एटीन एलिमेंट्स आर इन टेबल आप देख सकते हैं कि इस प्रोडिक्ट टेबल के अंदर हमारे पास वन एटीन एलिमेंट्स अरेंज हुए हैं और यही एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और एक एंडलेस लिस्ट बनाते हैं कंपाउंड के फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है वाटर है नाइट्रिक एसिड है इसके अलावा हमारे पास वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि इन्हीं एलिमेंट्स के कंबिनेशन से वजूद में आते हैं इसीलिए हम अगर कंपाउंड्स की नंबरिंग की बात करें या अमाउंट की बात करें तो वी कंसिडर दैट कंपाउंड आर एंडलेस देर आर वराइटी ऑफ कंपाउंड इसी तरह अगर हम एलिमेंट को देखें तो विच रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स विद डिफरेंट सिंबल्स जिनको हमने सीखा था फॉर एग्जांपल आयरन हो गया कॉपर हो गया एंड दीज सिंबल्स आर अरेंज्ड इन द टेबल इंस्टेड ऑफ कंप्लीट नेम्स इसी तरह अगर हम कंपाउंड की बात करें तो दीज कंपाउंड बाई केमिकल फार्मूला फॉर एग्जाम्पल फॉर वाटर एच टू इज यूज एज अ फार्मूला फॉर सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल इज यूज एज फार्मूला फर्दर मोर हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स गिवन है दैट आर वाटर हो गया अमोनिया हो गया कार्बन डाइऑक्साइड हो गया हाइड्रोजन पर तो मजीद हम अपने इसी को करते हुए एक को तो मुझे बताइए कि आप इसमें से कंपाउंड को इन दोनों में से कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई कीजिए और मुझे बताइए कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इन दोनों गिवन uh, पिक्चर्स के अंदर वेरी गुड uh, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ईजिली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा तो अब हम अपने लेक्चर को समराइज़ करते हैं हमने आज के लेक्चर में सीखा कि एलिमेंट्स सिर्फ एक ही किस्म के एटम्स से मिलकर बनते हैं जबकि कंपाउंड टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम्स मिल से मिलकर तश्कील पाते हैं अगर हम इनको स्प्लिट करने की बात करें तो वे कार स्प्लिट एलिमेंट्स बाई सिंपल केमिकल रिएक्शन फेयर एज Uh, compounds can easily be separated into our simpler substances by means of chemical reactions furthermore there are 118 elements that are arranged in a periodic table and but the list of compounds are endless because these 118 elements combines in a variety of ways to form endless compounds मजीद हमारे पास एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के जरिए लेकिन कंपाउंड्स की रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट केमिकल फार्मूलाज के जरिए फॉर एग्जांपल वाटर हो गया या फिर सोडियम क्लोराइड हो गया एंड हियर आर द पार्टिकल मॉडल ऑफ एलिमेंट एंड द कंपाउंड सो डियर स्टूडेंट्स ये आपकी वर्कशीट है द लिंक ऑफ विच इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो सो सपोज योर वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड क्विकली सॉल्व दिस वर्कशीट वेरी गुड मुझे उम्मीद है कि आपने इसको इजीली सॉल्व कर लिया होगा दैट इज़ यर होमवर्क आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करते हुए इसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करेंगे और इन हम अपने अगले लेक्चर के अंदर कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स के यूजेस को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि हम नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर कौन से कम्पाउंड और एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच एंड